तो यार आज है मेरा डे टू इन ऋषिकेश और आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या खाया और कहाँ कहाँ पर मैं गई घूमने के लिए। तो सबसे पहले मैं अपने कॉमन एरिया में आ गई थी हॉस्टल में, जहाँ पर मैंने ऑर्डर किया था अपने लिए सैंडविच और ब्लैक टी, और मैंने अपने मील को इन्जॉय किया वो भी अकेले बैठ कर। तो इसका प्राइस मुझे पड़ा था 180 रुपीज़ में और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था, मुझे तो बहुत पसंद आया। और मैंने स्टे किया है हॉस्टलर में जो कि है अपर तपोवन में। फिर इसके बाद हम निकल गए नीर वाटरफॉल, जो कि ऋषिकेश का खूबसूरत सा वाटरफॉल है, और यहाँ पर प्री वेडिंग की शूटिंग भी चल रही थी। और यार पता नहीं क्यों वीडियोस इनकी बन रही थी, बट इन्हें देखकर खुशी मुझे हो रही थी। फिर इसके बाद मैं निकल गई अपने हॉस्टल की साइड और यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ थोड़ी सी यहाँ पर ड्रिंक ली और थोड़ा सा इंजॉय किया यहाँ के व्यू को। वैसे मैं आपको बता दूँ ये नॉन अल्कोहल है, वरना आपको लगे कि मैं अल्कोहल लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा सा व्यू इंजॉय किया अपने दोस्तों के साथ बैठकर। फिर यार मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी, भुक्कड़ तो मैं हुई। फिर मैंने यहाँ पर अपने लिए ऑर्डर किया था पनीर पराठा और उसके साथ दही, और साथ में इसके मैंने किया था ब्लैक टी, जो कि मुझे पड़ा था 225 रुपये में। और यार यहाँ का व्यू इतना खूबसूरत लग रहा था, यहाँ पर बैठ कर खाने पीने में मुझे इतनी मज़े आ रही थी कि मैं क्या ही बोलूँ। तो मैंने आज पूरे टाइम अपने हॉस्टल में ही इंजॉय किया, सारी मील मैंने यहीं से ली, और आप देख सकते हैं देखने में भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, और वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी था ये पराठा। खाना खाने के बाद मैंने कुछ वीडियोस की यहाँ पर क्लिप ली, और ये होटल आपको मिल जाएगा हॉस्टलर में टॉप फ्लोर पर, जो कि प्राइवेट रूम यहाँ पर 5000 के अराउंड ही पड़ता है। और यार यहाँ से बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा भी नज़र आ रहा था और बहुत ही प्यारा ये रूम है। तो अगर आप भी कभी आएँ ऋषिकेश के तपोवन में तो आप यहाँ पर स्टे कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मेरा तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा जा रहा था यहाँ पर। शाम में मैं निकली बाहर की साइड और मुझे मिला प्यारा सा कैफे, वहां पर मैंने इंजॉय की लेमन टी। तो लो जी यहाँ का व्यू मुझे बहुत बेस्ट लग रहा है। ये है हमारे पीछे गंगा घाट, जिसका रास्ता यहाँ से घूम के वहाँ से उतरना होता है, पर तो मुझे यहाँ से इसका व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और सितंबर मतलब 18 सितंबर के आसपास आप आएंगे या अक्टूबर में, इसका कलर जो आपको दिख रहा है वो आपको नीले कलर का दिखेगा। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे आप कभी भी ऋषिकेश आएँ तो सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर के स्टार्टिंग में आएँ, तो काफ़ी प्यारा आपको यहाँ पर व्यू मिलेगा। अभी देखिए मैं जूम करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये ऐसे कुछ दिख रहा है, लेकिन जब जूम करेंगे ना इसे कुछ इस तरह से दिखेगा, पर मेरी आँखें जो फील कर पा रही है वो ये कैमरा नहीं फील कर पा रहा है। फिलहाल चलते हैं अपने धनों के साथ कहीं और, अभी तो कुछ यहाँ पर दिख नहीं रहा, चलते हैं देखते हैं।